हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अनदर वर्किंग डे, रेडी हो चुकी हूँ, बस अब निकलने वाली हूँ। और छोटू की बाइक ठीक हो गई है तो मैं अपनी स्कूटी लेके जा सकती हूँ। फॉर द टाइम बीइंग वो भी चलाएगा, मैं भी चलाऊंगी। और आज देखो कितनी पुरानी साड़ी मैंने निकाली है, एकदम पतली सी स्टफ है। और ये तो ये ब्लैक एंड ऑरेंजेस क्या बोल रही हूँ, ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। तो चलो मैं निकलती हूँ और माइलू को उसका मैं ट्रीट दे देती हूँ। माइलू सिट, जेसू बोलो, जेसू बोलो, जेसू जेसू, गुड बॉय। लो फाइनली मैं घर वापस आ गई हूँ। जस्ट अभी पहुंची हूँ और भाई अब चेंज करने का मन कर रहा है। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर मैं वीडियो एडिटिंग करूंगी क्योंकि कल का वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। अपलोड करके फिर कुछ खाऊंगी पीऊंगी। सबसे पहले घर पहुंच के चेंज करके मैं एडिटिंग करूंगी जब तक मम्मी भी घर आ जाएंगे। 4 बज गया है और अब मैं अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने फास्ट रखा था तो 4 बजे के बाद खाना है। तो मैं अभी बना रही हूँ चीज मैगी, तो फटाफट से बनाती हूँ और लग रही है भूख। फटाफट से पहले बनाऊंगी, फिर प्रेयर करूंगी, फिर ही मैं खाऊंगी। तो मैं ये एक प्याज पहले काटूंगी। तो फटाफट मैंने प्याज को पतला पतला काटा और छोटा छोटा काट लिया। और जल्दी जल्दी काट रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, मन कर रहा था बस फटाफट से मेरा मैगी रेडी हो जाए। और मैंने ली 2 मिर्ची। मिर्ची को मैंने छोटे छोटे पीसेस ना काट के बीच से स्लिट कर दिया। उसके बाद ये लिया 1 टमाटर, उसको भी बारीक काट लिया छोटा छोटा करके अच्छी तरह से ताकि वो जल्दी पक जाए। टमाटर डालने से ना एक अच्छा सा ना फ्लेवर आ जाता है, खटास आ जाता है, तो बस इसीलिए मैंने टमाटर डाला। और यहाँ पे मैंने गैस ऑन किया और अपनी ऑल टाइम फेवरेट छोटी सी कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। ये जो कढ़ाई है मैंने विशाल मेगा मार्ट से 99 रुपीज का लिया था। तेल चढ़ाया, तेल जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसमें प्याज डाल दिया, प्याज के बाद मिर्ची और अच्छी तरह से उसको सौटे किया। थोड़ा सा ब्राउन करना था, ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा होगा तो जल जाता है, इसलिए अच्छी तरह से उनको हिलाया, सौटे किया। और जैसे ही वो हल्का सा ब्राउन हुआ मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। मसाले में मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला और ताकि टमाटर जल्दी पक जाए मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। आई होप मैंने ज्यादा ना डाला, नहीं तो फिर ज्यादा वो हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। और ये रही मेरी 2 मिनट की मैगी जिसको मैं खाऊंगी। और फटाफट से मैंने पैकेट काटा और देखो मैंने क्या किया। जब तक ये बनता है मैं प्रेयर कर लेती हूँ, छोटी सी प्रेयर खाना खाने से पहले। तो फटाफट से मैं प्रेयर करती हूँ जब तक ये भी बन जाएगा, फिर मैं खा लूंगी। फाइनली मैंने प्रेयर कर लिया है और देखते हैं कि हमारा मैगी बना कि नहीं।
बस बॉइल हो गया होगा, ज्यादा लंबा मैंने प्रेयर किया नहीं है, छोटा सा ही किया है। और यहाँ पे पानी बॉइल हो ही चुका है, बस दो मिनट और फिर बन जाएगा। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी कम होगा तो मैं इसमें बटर और चीज डाल दूंगी, तो अलग मजा आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा। तो फिर से मैं निकालती हूँ बटर और चीज। तो ये रहा हमारा चीज, तो मैं ज्यादा बटर डालूंगी। थोड़ा बटर, काफी पानी सूख गया है, अब हम डालूंगी चीज। देखो कितना कड़क हो गया है। अरे अभी धूप बोल रही हूँ। अब मेरे डाल दिया चीज, अभी थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। बस चाट मसाला खत्म हो गया। चाट मसाला होता ना तो और ज्यादा मजा आ जाता, वो खत्म हो गया तो कोई नहीं, एनीवेज मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। तो गाइस फाइनली मेरा चीज मैगी रेडी हो गया है। अब मैं ये चीज मैगी खाती हूँ और अपना फास्ट तोड़ती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइस पेट भर गया है और सच्ची बताऊँ मैंने पहली बार चीज मैगी बनाया एंड दैट वाज लिटरली डिलीशियस। आप लोग भी कभी ट्राई करना, बहुत मजा आया। मुझे तो नाक से भी पानी आ रहा है क्योंकि दो दो मिर्ची डाली थी ना, बट एनीवेज देखो डकार भी आ रहा है, सॉरी। एनीवेज चलो अब मैं आराम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए लेटती हूँ, फिर मैं आप लोगों को शाम को मिलूंगी चाय के साथ। तो गाइज शाम हो चुकी है और यहाँ देखो मम्मी ब्रेड गरम कर रही है। ब्रेड खाओगे अभी? तो एक्चुअली हुआ क्या, ब्रेड का एक्सपायर, आज ब्रेड एक्सपायर हो जाएगा, तो मम्मी तब से मेरे को चिल्ला रही है कि उठ जाओ और ब्रेड का कुछ बना दे ताकि हम इसे खा लेते इससे पहले कि ये वेस्ट हो जाए। तो अभी चाय के साथ खाने के लिए हो रही है, इसको मम्मी गर्म करके फिर चाय के साथ खाएंगे ना मम्मी। और चाय भी रेडी है, तो चलो बैठते हैं और चाय पीते हैं। डिनर का टाइम हो गया है और यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, छुप छुप के। ओहो दाल छोक लगा रही हो, तो यहाँ पे मम्मी दाल छोक लगा रही। कौन सा दाल लगाने भाई? काला वाला। वाव आज फॉर अ चेंज हमारे घर में ये वाला दाल, लाल मसूर का दाल बन रहा है। यहाँ पे मम्मी ने लहसुन को छोक लगा दिया है, अब इसमें डाल देंगे और छई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मम्मी? छई छोई हो गया, छोई माइलू क्या हो गया, छोई। तो हमारा चावल बन गया, इसमें चावल है इसमें दाल है। गाइस आज हम खाएंगे सिंपल दाल चावल और अचार के साथ, और मम्मी रायता भी बना देंगे। तो बस यही सब बन रहा है आज और यही खाएंगे। और जब तक मैं थोड़ा सा ना YouTube में गाजीपुर मार्केट का रिव्यूज देख रही हूँ फ्लावर्स वगैरह लेने के लिए, तो बस वही अब मैं चेकआउट करती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस फाइनली डिनर वगैरह हो गया है, मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा सा बिजी थी, तो खाना पीना खा लिया है और अब बारी है सोने की। और एडिटिंग मैं कल स्कूल से आके करूंगी क्योंकि मेरी आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि मैं रात को लेट सो रही हूँ, सुबह जल्दी उठ रही हूँ ना, और रात की नींद रात की ही होती है, सुबह की नींद दिन की नींद दिन की ही होती है। तो इस वजह से आजकल आप लोग देख रहे होगे कि मेरे वीडियोस थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दी छुट्टी हो रही है तो मैं स्कूल से आती हूँ, फिर मैं एडिटिंग करती हूँ, फिर मैं अपलोड कर देती हूँ। तो बस 11:30 हो चुका है, देखो 11:30 हो गया है और अभी मैं एडिटिंग करने बैठूंगी तो मुझे 2 बज जाएगा, ये तो 1 बज जाएगा। तो मैं अब इसको कल एडिट करूंगी और मैं कल ही अपलोड कर दूंगी। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, बट होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माय अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।